किसानों का खेत हो या घर, चूहे वहां पर आतंक करते ही रहते हैं। अगर आप चूहों के आतंक से परेशान हैं, आपको चूहे परेशान कर रहे हैं, आपके कागज कुतर रहे हैं, आपके कपड़े कुतर रहे हैं, आपका अनाज खा रहे हैं या खड़ी फसल को कुतर रहे हैं, जैसे गन्ना है और गेहूं धान की फसल को कुतर रहे हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए? दोस्तों वीडियो में बने रहिए, आज हम आपको एक ऐसा जुगाड़ू तरीका बताने वाले हैं जिसकी मदद से आप चूहों को भगा सकते हैं। आपके जो खेत में और घर में चूहे पनप रहे हैं वो बिल्कुल ही खत्म हो जाएंगे, मात्र एक रात में या दो दिन में बिल्कुल चूहों से आप छुटकारा पा सकते हैं। सबसे पहले आपको दो तरीके हम बताएंगे। सबसे पहला तरीका जो है उसमें आप चूहों को भगा सकते हैं, जो दूसरा तरीका है उसमें आप चूहों को खत्म कर सकते हैं, यानी खाने के बाद वो मर जाएंगे। पहले तरीके में आपको लेनी है जामुन की गुठली। जामुन की गुठली लेनी है, इसका आपको पेस्ट तैयार करना है, यानी जितना आप इसको बारीक कुटाई कर सके उतना आपको इसको कूट लेना है। इसके बाद जब जितना ज़्यादा बारीक कर लेंगे उतना ही अच्छा रहेगा। इसके बाद आपको लेनी है फिनाइल की गोलियां, जो फिनाइल आता है उसकी आपको गोलियां लेनी है, और गोलियों की संख्या आपको जो आपने गुठलियाँ ली है उनकी आधी आपको रखनी है, आधी से भी कम आपको रखनी है। इसको भी उसी पेस्ट में आपको कूट लेना है। अच्छे से मिक्सअप तैयार करने के बाद, कूटने के बाद, एक दूसरे में मिलाने के बाद आपको लेना है आटा। आटे की मात्रा ज़्यादा रखनी है। अगर आपका पेस्ट जैसे देखा जाए एक कटोरी तैयार हुआ है, तो आपको दो कटोरी आटा रखना है, आटा थोड़ा ज़्यादा रखना है। इसके बाद उस आटे में इसको मिलाकर अच्छे से इसको मिक्सअप करने के बाद उसकी गोलियां बनानी है पानी की सहायता से। पानी उसमें छिड़क कर आटा गूंथ लें। आटा अच्छे से गूंथने के बाद, जितना अच्छा गूंथ पाए उतना अच्छे गूंथ लें। इसके बाद आपको गोलियां बनानी है। इन गोलियों को चूहे जहां पर पनप रहे हैं, जहां पर गड्ढा है, वहाँ पर आपको कागज़ में या किसी बर्तन में रख देना है। घर में है बर्तन में रख सकते हैं, देरी दिया ले सकते हैं या कागज़ ले सकते हैं, वहाँ पर आपको रख देना है। इस तरह से आपके जो चूहे पनप रहे हैं घर में हो या खेत में हो बिल्कुल भाग जाएंगे। ये जो पहला तरीका हमने बताया है, कई सारे किसान भाइयों का कमेंट आएगा कि जामुन की गुठलियाँ इस टाइम नहीं मिलेंगी। अगर आपने जामुन की गुठलियाँ नहीं रखी हैं तो अगले साल के लिए इसे पोस्टपोन कर सकते हैं। जो दूसरा तरीका है उसको आप इस समय अपना सकते हैं। दूसरे तरीके में आपको लेना है बिस्किट। जो बिस्किट आता है पार्ले जी, आपको एक पूरा डिब्बा ले लेना है, इसको भी अच्छे से कूट लेना है। कूटने के बाद आपको इसमें यूरिया मिला लेनी है। यूरिया की मात्रा आपको बिस्कुट से आधी से भी कम रखनी है, यानी अगर आपने आपका बिस्कुट का पेस्ट 3 चम्मच तैयार हुआ है तो 1 चम्मच आपको यूरिया डालनी है। ये मैं आपको अनुमानित बता रहा हूँ, इस तरह से आप तैयार कर सकते हैं। यानी बिस्किट की मात्रा आपको ज़्यादा रखनी है, यूरिया की मात्रा आपको कम से कम रखनी है। इसके साथ आपको लेना है कपूर। कपूर भी आपको लेकर उसी पेस्ट में कूट लेना है जो यूरिया का है, और जो बिस्कुट आपने कूटे हैं, जो उसका पाउडर तैयार किया है, सभी पाउडर को एक में आपको मिला लेना है, और साथ में आपको पानी के सहायता से इसको भी गूंथ कर और इसकी गोलियां बनाकर आप रख सकते हैं। अगर आपके खेत में चूहे हैं, गड्ढे बने हुए हैं, उन बिल के पास आप कागज़ की सहायता से कागज़ पर इसको रख दें और इसको खाने के बाद चूहे बिल्कुल भी खत्म हो जाएंगे। तो दोस्तों इन दो तरीकों से आप अपने खेत या घर में जो पनप रहे चूहे हैं उनको भगा सकते हैं और इनसे छुटकारा पा सकते हैं। जानकारी अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करें, फिर सारे मित्रों में शेयर करें। ऐसे वीडियो देखने के लिए मुझे फॉलो भी जरूर करें।